सावन महीने के प्रथम सोमवार को ढांचा भवन कोद स्थित मनोकामनेश्वर शिव मंदिर में देर शाम तक महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रवासियों ने पूरे भक्ति भावना से भगवान का श्रृंगार कर महाजलाभिषेक किया। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरा विश्व लीन है। इसी कड़ी में भिलाई शहर में भी शिवालयों देवालयों में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। सावन महीने के प्रथम सोमवार के दिन देर शाम ढांचा भवन कुरुद स्थित श्री मनोकामनेश्वर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर क्षेत्र की महिलाओं ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मंदिर में उपस्थित शिवलिंग का विशेष श्रृंगार भी किया और श्रृंगार के पश्चात महारुद्राभिषेक में शामिल होकर श्रद्धा अनुरूप जल और दुग्ध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर अपने और अपने परिवार एवं प्रदेश देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। प्रथम सोमवार होने की वजह से भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया एवं विशेष आरती भी आयोजित की गई। आरती के उपरांत उपस्थित शिव भक्तों में प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले पुरोहित ने श्रावण मास के प्रथम सोमवार की विशेषता को बताया और कहा कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना एवं जलाभिषेक करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही एक श्रद्धालु महिला ने भी पूरे भक्ति भाव से अपने उद्गार व्यक्त किए। श्रावण का पहला सोमवार विशेष इस महीने में रहता है। इस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा लोग बहुत ही भक्ति भाव से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और यहाँ ढांचा भवन में स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस साल भी प्रत्येक सोमवार को चारों सोमवार को अभिषेक संध्याकालीन 7 बजे से किया जाता है। लोगों के कल्याण के लिए सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, और किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो, सब निरोग रहें, सब जो है ना खुशहाल रहे, इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम लोग हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है ना सोमवार को अभिषेक का कार्यक्रम किए हैं। सावन के अंतिम सोमवार में पूजन और अभिषेक तो यथावत रहेगा, उसके अगले दिन हवन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद भंडारा का प्रोग्राम, प्रसाद वितरण जो है ना किया जाएगा, खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। आम जनता किसी के लिए भी किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी श्रद्धालु आकर के उसमें जो है ना सम्मिलित हो सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं और सब जन के सहयोग से यह कार्य जो है ना संपादित किया जाता है और सभी जो है ना लोग आते हैं और इस आयोजन में भाग लेते हैं। शिव जी की आराधना कर रहे हैं, क्या मनोकामना मांगे हैं? अभी विश्व में कोरोना नाम की महामारी भी चल रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भगवान से प्रार्थना किए हैं। और शाम को पूजा पाठ करने के बाद उपवास छोड़ेंगे? नहीं, कल छोड़ेंगे। भविष्यवर सावन के महीने में शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखा जाता है और प्रदेश देश सहित पूरा विश्व भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन होकर ओम नमः शिवाय का गुणगान करता है, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।